मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव के नेतृत्व में आज 25/4/2022 को नगर परिषद खरगापुर में महाविद्यालय खोले जाने के लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम तहसीलदार खरगापुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि खरगापुर एवं आसपास के 100 से अधिक गांव में महाविद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा बाधित होती जा रही है, इसलिए तत्काल खरगापुर में महाविद्यालय खोला जाए ताकि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके एवं अपना भविष्य सुधार सके। ज्ञापन में अखिलेश प्रजापति, अनुराग जैन, अखिलेश यादव, देवेंद्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर, जो आज ज्ञापन दिया गया है वो किस मामले में दिया गया? देखिए, खरगापुर नगर परिषद और आसपास के लगभग 100-150 गांवों में महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय ना होने की वजह से स्कूल की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं बच्चे और पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं। बहुत समय से ये मांग हो रही है कि खरगापुर जो कि विधानसभा भी है, तहसील भी है और यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी भी है, आवागमन की भी गाँवों से अच्छी सुविधा है, यहाँ महाविद्यालय खोला जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पूरी हो सके और उच्च शिक्षा ले सकें। इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि खरगापुर में महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की अनुशंसा करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में अगर शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी और सभी नौजवान साथी मिलकर महाविद्यालय के आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, खरगापुर में हर हालत में महाविद्यालय खुलवाया ही जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।